नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, करेले का अचार। इसको पहले मैंने अच्छे से धो लिया है और फिर इसको सुखा लिया है। सुखाने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। हाँ, मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है अच्छे से। अब इसमें हम नमक मिला के इसको मिक्स कर देंगे। इससे अच्छे से नमक मिलाने से इसका कड़वापन निकल जाता है। फिर इसको 1 घंटे के लिए रहने देंगे, जिसकी वजह से इसका कड़वापन निकल जाएगा। और इसको अब मैं धो लूँगी अच्छे से। इसको हम धो लेंगे ताकि इसका कड़वापन जो है वो सभी निकल जाए। अब इसको मैं दूसरी बार धोने लगी हूँ। 2 बार धोने से क्या होगा, इसका जो कड़वापन होता है वो सभी निकल जाता है। अच्छे से इसका पानी निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक ट्रे रखी हुई है, ट्रे में वो कपड़ा रखा हुआ है और इसमें हम अब ये करेले डाल देंगे। इनको मैं 1 दिन धूप में ही रहने दूंगी, जिसकी वजह से ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख जाएं और इनमें नमी नहीं रहनी चाहिए, जिसकी वजह से अचार खराब हो सकता है। जिसमें हम कंटेनर में डालेंगे वो भी सूखा होना चाहिए और चम्मच भी सूखा ही होना चाहिए। ये करेले सूख चुके हैं। ये कलौंजी है 2 टेबल स्पून, ये 2 टेबल स्पून पीली सरसों है, 2 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून अजवाइन। कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए रख दी है। अब कढ़ाई में जो भी मैंने मसाले लिए हैं वो इसमें डाल दूंगी। ये अजवाइन है, सौंफ और ये पीली सरसों और ये कलौंजी। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1 टेबल स्पून जीरा है और थोड़ी सी मेथी है। अचार कड़वा ना हो जाए मेथी की वजह से, इसलिए कम डाली हमने मेथी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको खुशबू आने तक ही भूनेंगे। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर जार में डाल देंगे और इसको पीस लेंगे अच्छे से। एक बाउल में तेल डाला हुआ है और इसको कढ़ाई में डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अगर अच्छे से गर्म हो जाएगा तो अचार खराब नहीं होता है। फिर इसको ठंडा होने देंगे, तब इसमें करेले डालेंगे, नहीं तो हमारे मसाले और करेले जल भी सकते हैं। अब इसमें मैंने करेले डाल दिए हैं, तेल ठंडा होने दिया था, फिर उसके बाद डाले हैं। अब करेले डालने के बाद इसमें हल्दी डाल देंगे 2 टेबल स्पून। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। और इसमें मैंने हल्दी अमचूर डाल दिया है और इसमें अब मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दी और ये जो भी मसाले पीसे हुए थे वो भी डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और ये अचार बनकर बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मैंने उसमें से थोड़े से साबुत मसाले निकाल लिए थे। साबुत मसाले डालने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। थोड़े पिसे हुए डालो, थोड़े साबुत डाल लो तो भी अच्छा होता है। और ये मैंने 2 टेबल स्पून इसमें सिरका डाल दिया। सिरका डालने की वजह से अचार खराब नहीं होता है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और इसमें नमक हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने नमक पहले भी डाला था। और मैंने 4-5 मिर्ची धो के वो भी सुखा ली थी और इनको भी डाल दूंगी अब लंबे से काट के। और ये अचार बन के तैयार हो चुका है। आप किसी भी अचार को ठंडा होने दें। अचार को ठंडा होने के बाद आप किसी भी कंटेनर में इसको डाल सकते हैं। कंटेनर भी सूखा होना चाहिए। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।